नमस्कार एंड वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन वेट लॉस। आज की रेसिपी है सत्तू मखाना खीर और बहुत ही क्विकली बनने वाला हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम मील है। बस ज़रा सा हमने घी लेना है और उसमें एक कटोरी मखाना को रोस्ट करना है करीब 5 से 7 मिनट ऑन द लो फ्लेम। इट विल टेक ड्राई रोस्ट कीजिए इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए ताकि कुछ नीचे ना लगे। मखाना इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो आप ज़रूर ट्राई करें टू इंक्लूड 30 grams ऑफ मखाना पर डे इन योर डाइट। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो जैसे ही मखाना रोस्ट हो गया, मैंने उसे पैन से निकाल लिया और उसी पैन में ज़रा सा घी डाल के मैंने ड्राई रोस्ट करना है वापस से अपने चना सत्तू को। ये एक कड़छी चना सत्तू मैंने लिया है। आप चाहें तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज सत्तूज आर प्री रोस्टेड, लेकिन मुझे भुने हुए सत्तू का टेस्ट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे भून कर यूज़ करती हूँ। आपने कंटिन्यूसली गैस ऑफ ऑन करते रहना है टू मेक दिस रेसिपी बिकॉज अदरवाइज या तो लम्ब्स पड़ जाते हैं इस रेसिपी को बनाते हुए या सत्तू जल जाता है। तो हमने इसे ऑन ऑफ करके करना है। एक बार ऑफ कीजिए एंड सत्तू को ठंडा कर लीजिए। वंस दैट इज़ डन, इसमें ऐड कीजिए 1 glass ठंडा दूध। तो आपने जब दूध और सत्तू को मिक्स करना है तो इधर दोनों का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए या दोनों का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए टू अवॉइड लम्ब्स। मैंने ठंडा करके 1 glass दूध ठंडा डाला ताकि लम्ब्स ना पड़े और अब इसे कंटिन्यूसली मिक्स कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है एंड योर रेसिपी इज़ डन। सो अगर आपके पास प्री रोस्टेड चना का सत्तू पड़ा है, दिस इज़ जस्ट अ 2 minutes रेसिपी। तो हमने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। नाउ आई एम एडिंग अ कटोरी भर के नट्स। व्हाट आर नट्स? मैंने सीड्स यूज़ की हैं पम्पकिन के एंड सनफ्लावर के एंड साथ में खूब सारा किसमिस। बिकॉज आई एम नॉट एडिंग एनी स्वीटनेस टू द डिश, किसमिस जम्मू में आएगी तो वो मीठी लगेगी और ये इस रेसिपी का प्लस पॉइंट है। ये शुगर फ्री भी है। ये रेसिपी एक्सेलेंट है अगर आपको थ्रोट पेन है, जो कि इस सीज़न में मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लिया एंड इट हार्डली टेक्स अ मिनट ऑन द स्टोव टू गेट इट डन इन द मीडियम फ्लेम। जैसे ही उबाल आ गया और रेसिपी सब मिक्स हो गई, जस्ट ऐड द मखाना दैट यू हैव रोस्टेड अर्लियर, मिक्स कीजिए। आपकी रेसिपी तैयार है, इसे अच्छे से सर्व कीजिए। अ ग्लास अ कप इज इनफ टू फिल यू अप एंड गिव रिलीफ फ्रॉम द कफ एंड कोल्ड। इसको खाने के बाद आधे घंटे तक पानी मत पीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।